वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 का आम बजट पेश किया। इस बजट को लेकर सीएम योगी का बयान भी सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि मैं आजादी के अमृत काल में प्रस्तुत विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करते हुए सर्वसमावेशी और लोक कल्याणकारी केंद्रीय बजट 2023-24 का स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री का हार्दिक अभिनंदन। आम बजट 2023-24 में नए भारत की समृद्धि का संकल्प है, अंत्योदय का विजन है और 130 करोड़ देशवासियों की सेवा का लक्ष्य है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाओं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और राष्ट्र के समग्र उत्थान की उपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। निसंदेह ये बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा का लक्ष्य भी है। वर्तमान केंद्रीय बजट गांव, गरीब, किसान, नौजवान और महिलाएं समेत समाज के हर वर्ग की आशाओं और भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समग्र उत्थान की अपेक्षाओं की पूर्ति करने वाला है।